हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के मुहान हरौनी मार्ग पर भोगला गांव के पास मुखबिर की सूचना पर रविवार की रात एएसपी ने हसनगंज कोतवाली टीम के साथ तारकोल की चोरी कर रहे गिरोह की धरपकड़ के लिए दबिश दी। टीम ने छापा मार कर तारकोल के टैंकर से तारकोल चोरी कर रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों के मुताबिक ये काला धंधा कई माह से चल रहा था। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने बताया, तारकोल के टैंकर से 50 से 60 किलो तारकोल निकालकर एक टैंकर में एकत्रित कर भर लिया जाता था। इसके बाद उसे बड़े ठेकेदारों को बेचा जाता था। पकड़े गए आरोपियों में धर्मवीर, महेश, गुलाब सिंह मथुरा जनपद के थाना रिफाइनरी के रहने वाले हैं, जिसमें गुलाब सिंह फरार है। पुलिस ने मौके से तारकोल से भरा एक टैंकर व 61,800 रुपए पकड़े। एक आरोपी हसनगंज कस्बे का रहने वाला बताया जा रहा है। एसपी शशि शेखर सिंह ने बताया, नकली तारकोल बनाने वाले गिरोह को पकड़ा गया। चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट व कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। कल रात को जनपद उन्नाव के हसनगंज थाने में एक काले बिटुमिन तेल का व्यापार करने वाले गैंग का पता लगाया गया है। यह गैंग हसनगंज थाना और बंथरा, जो कि लखनऊ का थाना है, उसके बॉर्डर पे ऑपरेट कर रहा था। इसमें अभी चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें तीन अभियुक्त जनपद मथुरा के रिफाइनरी थाने के हैं और एक अभियुक्त बंथरा थाने का रहने वाला है। इनके पास से एक टैंकर, जिसमें कि चोरी का बिटुमेन उतार करके इसमें भरते थे, एक ड्रम और अन्य उपकरण इसमें बरामद हुए हैं। साथ ही इनके पास व्यापार का लगभग 50,000 रुपया और कुछ डायरी बरामद हुई, जिसमें कि इस पूरे काले व्यापार के बारे में कुछ लिखित दस्तावेज मौजूद हैं। इस पूरे गैंग के बारे में पता लगा करके इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और अवैध व्यापार से, अवैध अपराध से जो भी इन्होंने धन अर्जित किया है, उसके बारे में 14(1) की कार्रवाई करके जब्तीकरण की भी कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जाएगा।